गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुबह के 6 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर दिए हैं PBR स्टडी। मैं राजकुमार आपके सामने आपकी अपनी स्पेशल क्लास DLED BTC चक्रीय चतुर्भुज। टाइटल और थंबनेल और टैग देख करके हैरान मत होइएगा, ये DLED के अलावा और सबके लिए भी महत्वपूर्ण है, किसी को अपच नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी। स्पेशल क्लास का मतलब यानी कि कुछ विशेष है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ, इसमें अलजेब्रा के पार्ट है ना, तो ध्यान से पढ़िएगा। चक्रीय चतुर्भुज की बात करेंगे। चक्रीय चतुर्भुज को दूसरी भाषा में वृत्तीय चतुर्भुज भी कहा जाता है। आपसे परीक्षा में 1 नंबर में परिभाषा ही पूछा जा सकती है, या फिर बहुविकल्पीय क्वेश्चन में MCQ टाइप सवाल में आपसे कोई सवाल बनाया जा सकता है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है पहचान लीजिए। देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के, चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रेटरल बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटरल। यदि किसी चतुर्भुज के यानी कि क्वाड्रेटरल के चारों शीर्ष मतलब सभी वर्टिक्स, ठीक, एक ही वृत्त पर हों तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। मतलब कहने का ये है कि जो चतुर्भुज है वो किसी वृत्त के अंदर बना हो और उसके जो शीर्ष हैं वो वृत्त पर आकर के मिलते हों हर जगह, कोना जिसे बोलते हैं, तब चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्या इस वृत्त में बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है, कमेंट करके बताओ है कि नहीं। इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ PQRS। बताइए PQRS चक्रीय चतुर्भुज है? इसका उत्तर होगा नहीं है। अब आप कहोगे क्यों नहीं है, काहे नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि PQR ये वृत्त पर है, परिधि पर है, लेकिन जो यस है वो वृत्त के परिधि पर नहीं है। जूम करके थोड़ा देखिएगा, ये यस जो है वो परिधि से थोड़ा दूर है, इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। बात समझ गए ना? और अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैसे भी, इधर देखना, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ABCD ऐसे सब एक में लिख दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए, बताओ, बता ले जाओगे कि नहीं, बता ले जाओगे ना चक्रीय चतुर्भुज का नाम कि नहीं, ध्यान देना, बता ले जाओगे उम्मीद करते हैं। क्यों? इस वृत्त के अंदर चतुर्भुज तो दो बने हैं, एक PQRS बना है, एक बना है ABCD, लेकिन PQRS वाला चक्रीय नहीं है बल्कि ABCD वाला चतुर्भुज चक्रीय है, क्योंकि इसका C भी वृत्त पर है, B भी वृत्त पर है, A भी वृत्त के परिधि पर है और D भी क्या है, परिधि पर ही है। बात समझ गए ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी देखते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो PBR स्टडी इलाहाबाद और PBR स्टडी ग्रुप को तुरंत सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो कर लें, जिससे अगली क्लास भी मिल सके। जल्दी करें, आपका अपना कर्तव्य है, याद दिलाना मेरा कर्तव्य है। दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है इसमें चक्रीय बिंदु। चक्रीय बिंदु क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए समझ लेना ध्यान से। जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित हो, यानी कि जो पॉइंट एक ही सर्कल पर क्या हो, स्टे हो, रुका हो, उसी पर बना हो, जैसे यहाँ पर देखो, वो चक्रीय बिंदु कहलाता है। जैसे इस वृत्त में ABCD तथा E चक्रीय बिंदु हैं, क्योंकि एक ही वृत्त पर हैं, है ना, बात समझ गए ना, ये हो गया चक्रीय बिंदु। अगला इसी में आता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं पता है? अरे जी, जैसे चतुर्भुज में सम्मुख कोण आप निकालते हो वैसे ये भी होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं देखिए, इसमें कुछ तो नहीं दिया गया है फिलहाल, लेकिन जैसे अगर हम इसको मिला दें ऐसे, या बिना मिलाए भी आप बता सकते हो, कोण A का सम्मुख कोण क्या है, C है ना, ये C, और B का क्या है, D है,
जैसे इसको देखो मिला दें ये, और इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, बन गया ना ए का सम्मुख कोण सी है ना, और सी का ए, बी का डी और डी का बी, ये हो गए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। इसके बारे में कोई डिफिनीशन नहीं होती, वही आमने सामने के जो कोण है वो सम्मुख कोण कहलाते हैं। हाँ, उसके बाद एक सवाल हम आपको दे दें, उसमें आपको बताना है चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज में, चतुर्भुजों में से चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। क्वेश्चन देखना, नोट करना, बाकी कुछ इसमें लिखना नहीं, हम सामने आपको सब दिखाएंगे, आपके लिए है इसको समझना। क्या है, चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र बना लो जल्दी से, ये चित्र है, इसमें ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, सर्कल का सेंटर है, केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत बने जो चतुर्भुज हैं, एक से अधिक चतुर्भुज बनेंगे उसमें चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताना है। ध्यान देना कहाँ से जाएगा, कहाँ तक जाएगा। ये ऐसे बनेगा एक, पहले हमें तो बनाने दो ना, तब हम आपको बताते हैं। ये एक ये बन गया, एक में और बन रहा है, वो का है, ये ध्यान देना, इसमें चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, मैं आपका नाम इसमें लिख दे रहा हूँ, सभी ध्यान देना, ए बी यहाँ पे लिख लो, ये सी डी और ए ई। जल्दी बताइए इस वृत्त के अंतर्गत पहला नंबर, पहला क्वेश्चन है कितने चतुर्भुज बने हैं, दो, एक, और तीसरा ऑप्शन है तीन। कितने बने हैं, एक चतुर्भुज, दो चतुर्भुज की, तीन चतुर्भुज। दूसरा सवाल है, इस वृत्त के अंतर्गत जो चतुर्भुज बने हैं उसमें चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, चतुर्भुज ए बी सी डी है, या फिर चतुर्भुज ए बी डी ई है। जल्दी जवाब दीजिए दोनों में, फटाफट बताइए तुरंत, समझ लिए हो तो कर ले जाओगे, एग्जाम में आ जाएगा तो फिर मत कहना कि नहीं बताया गया था। और ये भी हम एक गारंटी लेते हैं, अगर जितना पढ़ा दिया गया उतना आप तैयार कर लेते हो ना, तो 90% के ऊपर आना कोई काट नहीं सकता है, लेकिन हाँ उतना आप कंप्लीट करके जाओ तब। हो गया उत्तर कमेंट, हो गया, चले आगे। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में या फास्ट चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, इस चित्र में कौन कौन से बिंदु चक्रीय बिंदु हैं और कौन कौन से बिंदु चक्रीय बिंदु नहीं है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। चक्रीय बिंदु चक्रीय चतुर्भुज और सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज के कोण, ये सब हम आपको 10 मिनट के अंदर सिखा दिए है ना, बाकी बड़े बड़े जो भी सवाल हैं आप नहीं भी करोगे अगर, तब भी आप बहुत अच्छे से नंबर पा जाओगे, बस छोटी छोटी बातें तो तैयार रखो ना। घोंसला चिड़िया तिनके तिनके से बनाती है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री का वहाँ पर ला करके इकट्ठा माल नहीं इकट्ठा करती, बात समझ रहे हो ना, तो तिनका तिनका इकट्ठा करोगे आसानी होगी, इकट्ठा करने में भी और बनाने में भी, बहुत बड़े के चक्कर में जाओगे तो डूब जाओगे। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि मत जाना, जाना जरूर, लेकिन पहले छोटा प्राप्त कर लो तब। हो गया इसका आंसर, आगे चलें। चलिए इसमें देखिए, जो वृत्त के परिधि पर हैं वो चक्रीय बिंदु हैं और जो नहीं हैं वो नहीं हैं। जैसे अगर चक्रीय बिंदु कौन कौन से हैं बात करें, तो ए बी सी ई एफ, ये चक्रीय बिंदु हैं। चक्रीय बिंदु नहीं है जी और डी, क्योंकि जी जो है अंदर में है और डी जो है वो बाहर है, मतलब परिधि पर होना चाहिए, अंदर बाहर से नहीं मतलब, ठीक। तो मित्रों आज का ये जो टॉपिक था पूरा लगभग खत्म हो चुका है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय बिंदु और चक्रीय, क्या क्या देखा हम लोगों ने, चक्रीय बिंदु देख लिया, चक्रीय चतुर्भुज देख लिया, और एक क्या देखा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, है ना। तो ये सब यहीं पर ख़त्म होता है। जो स्टूडेंट्स कंप्लीट क्लास चाहते हैं, क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर सारी क्लास देखना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें ज्वाइन डीएलएड लिख करके, उसके लिए उनको 599 का पेमेंट सिर्फ एक बार करना होगा,
और जो नहीं करना चाहते इसको बिल्कुल ना करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके यहाँ पर फ्री वाली क्लास देखते रहें। हाँ, अगर नहीं ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज बिल्कुल ना करें, आप यहीं यूट्यूब पर देखते रहें, इसके लिए आपको कुछ नहीं देना है। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी तुरंत पेज को लाइक करके फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको कोई पेमेंट नहीं करना, बिल्कुल फ्री है, और देखते रहें घर बैठे कहीं से भी कभी भी। और हाँ, एक बात और, चलते चलते हमारे विशेष स्पेशल वीडियोज़ देखने के लिए मुंबई से लेकर कोलकाता, गाँव से लेकर शहर तक, भ्रष्टाचार से लेकर के ईमानदारी तक सारे वीडियो हम आपको दिखाते हैं, कुछ सच कुछ अजूबा, PBR स्टडी ब्लॉग पर। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा और आप यहाँ से बहुत कुछ देख सकते हैं देश और समाज के हित के लिए। पढ़ाई नहीं होगी उस पर, कुछ और होता है, देखिएगा सब्सक्राइब करके। PBR स्टडी के बाद BLOG लिखिएगा, बस आ जाएगा। चलते हैं फिर, जय हिंद। अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा, थोड़ा देर बाद सुबह 6:30 बजे से शुरू होगी और फिर दूसरी क्लास 7 बजे से 7:30 बजे और 8 बजे। सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर तो तुरंत कर लीजिए, और फेसबुक पर हैं तो लाइक करके फॉलो करें, वहाँ पर टाइम अलग है। शुक्रिया।